वेजिटेबल कचौड़ी हर किसी को पसंद है, वो भी अगर हेल्दी तरीके से बनाया जाए तो बात ही कुछ अलग है। तो चलिए बनाते हैं क्विक एंड इजी हेल्दी स्नैक्स भेज कचौड़ी। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को तो इसे टिफिन में बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ता। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम सूजी को थोड़े थोड़े से उसमें मिलाते जाएंगे। तो 2 कप पानी में 1 कप सूजी, तो ये मेज़रमेंट आपको याद रखना है, 2 कप पानी में 1 कप सूजी। तो बस इसमें एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अब एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल गरम कर लेंगे, इसमें मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा और उसमें हम हींग, 1 चुटकी हींग और मेथी दाना डाल देंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे, प्याज जब हल्की से भुन जाए तो उसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। हमने 2 ग्रीन चिली को छोटे छोटे पीस करके रखे थे उसे ऐड करेंगे, और गाजर को भी, गाजर और कैरेट को भी आप छोटे छोटे पीस कर सकते हो या तो ग्रेट भी कर सकते हो, सो हम उसे भी डाल देंगे। दिस इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स वी आर एडिंग, तो इसमें बहुत हेल्दी बनती है, नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम इसको 2 मिनट ढक के रखेंगे, और थोड़ा सा सॉफ्ट होने हो जाने के बाद, गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे। अभी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला या तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो और ब्लैक पेपर पाउडर, तो ये सारे मसालों को हम एक एक करके ऐड करेंगे। अभी हम टमाटर को छोटे छोटे पीस काट के रखे थे उसे भी डालें, और थोड़ा सा हल्का ये ताकि पक जाए उसके लिए हम 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। हमने 2 मीडियम साइज के आलू उसको बॉईल करके रखे थे और मैश करके रखे थे उसे हम ऐड करेंगे। अब हम कटा हुआ धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारे स्टफ रेडी है, पोटैटो स्टफ। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जो सूजी के डो बनाए थे उसमें अपने हिसाब से बॉल बना लेंगे और एक कटोरी जैसे बनाएंगे, और इसमें हम जो आलू के फिलिंग्स बनाए थे उसको डाल के सील कर लेंगे। तो ऐसे हम कचौड़ी एक एक करके बनाते जाएंगे। अब हम इस सारे कचौड़ियों को स्टीम करेंगे, उसके लिए एक बर्तन में पानी डालेंगे और ऊपर से एक जालीदार बर्तन रखेंगे। तो सारे कचौड़ियों को इस बर्तन में हम डालेंगे, तो थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है हमें, तो उसमें आप चिपकेगा नहीं, और 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च पाउडर और धनिया के पत्ते, कटे हुए धनिया को पत्ते डालेंगे, और एक एक कचौड़ियों को इसमें हल्के ऑयल में थोड़ा सा उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। तो ये रेसिपी बच्चों को लेके बड़े तक सबको बहुत पसंद आती है, कम समय में हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट आइटम है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिसमें आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।